देख रहे बिहार न्यूज़, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैशाली में स्थानीय विधायक को मौके से ग्रामीणों ने खदेड़ दिया और कहा कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मत जाओ। ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को अपने क्षेत्र से भगा दिया। बता दें कि विधायक समर्थकों के साथ पीड़ित पक्ष को सांत्वना देने गाँव पहुंचे थे। खबर वैशाली जिले के तीसी औता थाना क्षेत्र से है, जहाँ बीजेपी विधायक को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय विधायक आए थे, आप लोग खदेड़ करके बिगला दिए क्यों? स्थानीय विधायक को सर इसलिए हम लोग विधायक को बिगला दिए क्योंकि वह जो है बगल गिर का विधायक है, ठीक है, और मेरे बहू बेटी का इज्जत लूट गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया। वो माने कान में तेल धर के सोया हुआ था, वो शख्स ये माने मेरे दरवाजे पर नहीं आया, उससे हम क्या भरोसा करें। और वह शख्स जो है दलित का माने कि वो माने कि विधायक नहीं है, वह फॉरवर्ड का दलित है, विधायक है वो। बेगूसराय में केसावे उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में 10वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पूरे धूमधाम से मनाया गया। मटिहानी विधानसभा के निवर्तमान विधायक और उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार और पूर्व मेयर संजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि शिक्षा मानव के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है, इसे जितना सींचेंगे उतनी ही निखार आएगी। बोधगया में अवस्थित भूटान के बौद्ध मोनेस्ट्री में पारंपरिक नृत्य शुरू हुआ है। रंग बिरंगे परिधान में भूटान के बौद्ध लामा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुन पर नृत्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल इस तरह का धार्मिक आयोजन भूटान में किया जाता है। मान्यता है कि नृत्य करने वाले सभी लामा शांति दूत होते हैं और इनके नृत्य के बाद आसपास में रही बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। मास डांस हो रहा था, ये किस लिए किया जाता है, कब कब होता है ये मास डांस? हम लोग सालाना करते हैं। सालाना भूटान का जो कैलेंडर है 11वां महीना 23, 24, 25 तारीख में हम सालाना यहीं पर करते हैं। ये अभी करके 11 साल में है, ये 10 साल 11 साल पहले शुरू किया था। ये चीज़ है कि ये हम लोग मेन चीज़ तो हम लोग को विश्व शांति के लिए, अपने दुख मिटाने के लिए, सबका सुख होने के लिए ये सब करता है। तो हम लोग लामा लोग भोर सुबह 2 बजे से उठ के पूजा पाठ करता है मंदिर के अंदर 8 बजे तक लगातार करता है। फिर उसके बाद ये जो अभी धार्मिक का जो डांस है वो करता है। ये सब ये बुरी आत्मा को उधर हटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए और सुख को आने के लिए ये करता है। तो अभी के आज इस 2 साल हो गया, पिछले साल और इस साल तो यहाँ का कोई आदमी आता नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, कोरोना का चलते आदमी आता नहीं है। फिर पहले तो बहुत आदमी भीड़ जमता था। खबर सासाराम से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताराचंडी के पास लूट के दौरान एक ट्रक मालिक और खलासी को गोली मार दी गई, जिसमें ट्रक मालिक की मौत हो गई जबकि खलासी इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक सुदामा पटेल मध्य प्रदेश के सागर जिला के राजीव नगर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच की जा रही है। सर जी, हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं। हम लोग को क्या हुआ कि हम लोग रस्सी खींच रहे थे, उस पर चढ़ने लगे ट्रक पर, वो आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ कि हम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में उनने हमको गोली चला दी। वो समय क्या करने लगा?
वो क्या कि हम लोग बोल रहे थे कि जितना पैसा चाहिए आप ले लो, हमारे पास नहीं है पैसा, मगर वो नहीं बोलता पैसा दो, हम लोगों ने नहीं दिया, वो गोली चला दी। वही बख्तियारपुर में मंगलवार की देर शाम बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के समीप बाइक सवार बदमाशों ने 55 वर्षीय बलेराय को गोली मार दी, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को कार्यवाही का भरोसा देकर समझा बुझा कर किसी तरह से शांत कराया। घर के बगल में खड़े थे, आदमी मोटरसाइकिल से आया और गोली मार के भाग गया। क्या पहचान हो पाई जो गोली चला? पहचान नहीं हो पाया कुछ। जिनको गोली लगी उनका नाम क्या हुआ? बलिराम यादव। घर कहाँ जी लोग कहते हैं? घर कहाँ हुआ? सत भैया हुआ। ये घटना कहाँ पे हुई? अभी न्यू बाईपास में हुआ। बाढ़ के पंडारक प्रखंड क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी कोरोना की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए बिजली के उत्पादन के साथ साथ अब ऑक्सीजन का भी उत्पादन करेगी। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में पीएसए तकनीक से रिकॉर्ड समय पर एनटीपीसी ने ऑक्सीजन उत्पादन की शुरुआत की है। इसमें एक घंटे में 8 से 10 जंबो टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का रिफिल किया जा रहा है। इसका लाभ बाढ़ एनटीपीसी के आस पास के 50 किलोमीटर में बसने वाले लोग ले सकते हैं। एनटीपीसी बाढ़ स्थित अस्पतालों में अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में 15 न्यूटन मीटर क्यूब प्रति घंटा का हिसाब से ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर जंबो सिलेंडर्स भरा जा सकता है। 5 से 6 सिलेंडर एक घंटे के अंदर इसमें आपूर्ति किया जा सकता है। इस सिलेंडर से जो भी ऑक्सीजन उत्पादन होकर इसमें स्टोर किया जाएगा, उसको हम लोग कोई भी इमरजेंसी यूज़ के लिए किसी भी हॉस्पिटल में इसको हम लेके जा सकते हैं और जहां हमारा मरीजों की ज़रूरत पड़ेगा ऑक्सीजन की, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। थैंक यू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।